हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंजू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर। स्वाद के साथ ही सेहत भी देता है पनीर। पनीर खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पालक पनीर बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं। कम समय में स्वादिष्ट डिश बनकर तैयार हो जाएगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए बनाते हैं पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए एक कटोरी कटा हुआ पालक ले लिया है धो के, उसके बाद एक टमाटर लिया है, दो प्याज, अदरक, लहसुन और ये तीन चार मिर्च ली है। इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में। तेल गरम हो गया है, अभी हम इसमें जीरा लेंगे, दो तेज पत्ता और जो अभी जो पेस्ट बनाएगी वो ले लेंगे। जल्दी बनने वाली डिश बता रही हूँ मैं। वैसे तो पालक पनीर बनाते वक्त पालक उबाली जाती है, फिर इसको मिक्सी में पीसना पड़ता है। फास्ट रेसिपी, जब ये तेल छोड़ने लगे तब इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसको अभी ढक के रख देंगे। हम ढक्कन निकाल के देख लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से हो गया है, हमने ढक दिया था ये मसाला पकने के लिए। अब इसमें बाकी मसाले ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर है 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं हरी मिर्च पाउडर ही डाल दी थी। मसाले अच्छे से भूनने के बाद इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको ढक के रख देंगे। बन गया है अपना पालक पनीर। टेस्टी रेसिपी है ये दोस्तों। धनिया पत्ती डाल देंगे कटा हुआ, तो इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा अमूल बटर ले लेंगे 1 क्यूब, इससे और टेस्ट बढ़ता है दोस्तों। ये देखिए बन गया अपना पालक पनीर। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।